तो पीछे के सीट का एक नजारा आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा क्या चीज है। और इनके बीच में से एक चेहरा भी नजर आ रहा है, जरा इनसे मिलिए, थोड़ा मुलाकात कीजिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? गाइस तो आप लोगों को बता दो, मैं एक नए सफर पे हूँ। आज सफर दोबारा श्रीनगर से कारगिल, कश्मीर टू लद्दाख। तो गाइस मैं सोच रहा था जोजिला कवर करूँ, आप लोगों से दिखाऊं, बट अनलकीली आज मेरा भी किस्मत अच्छा नहीं था। जैसे सोनामर्ग क्रॉस किया, बारिश, अंधाधुंध बारिश शुरू हो गया, और क्या कहते हैं, जोजिला चढ़ते चढ़ते धुंध, बहुत ज़्यादा धुंध था। दैट्स वाई आप लोगों को दिखा नहीं पाया, आप लोगों को कवर नहीं करा पाया। चलिए अब जोजिला तो निकल गया, मीनामर्ग से भी थोड़ा आगे हूँ, तो चलिए मैं सोचा भाई शेयर तो करना ही चाहिए फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को पता होना ही चाहिए कौन सा सफ़र है, कैसा सफ़र है। फ्रेंड्स तो जैसे मैं करता हूँ ये चीज़ें कवर, कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को थोड़ा उनके साथ टच में रहूँ। मैं तो आप लोगों से कर सकता, आप लोग भी इस तरह के मोमेंट को कवर किया करें, एक दूसरे को पता लगता है, नई जगह देखने को मिलता है, एक अपडेट रहता है रोड्स के बारे में और हर चीज़ के बाद थोड़ा सा एक अपडेट रहता है। तो दैट्स वाई आप लोग भी इस तरह किया करो। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रंट व्यू आप लोगों को दिखा दूँ। ये फ्रंट व्यू है, मैं अब पंद्रास के नज़दीक हूँ, पंद्रास। बादल अभी भी है यहाँ पे, काले बादल घूम रहे हैं, बारिश का असर यहाँ पे ना हो कहीं, लेकिन अब यहाँ पे तो कितना भी बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम रहता है जोजिला में थोड़ा सा, क्योंकि आपको बता दूं वो इस तरह के माउंटेन है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा बारिश हो तो पत्थर पुत्थर गिरने का, चट्टान वगैरह गिरने का डर रहता है इसलिए, और धुंध में रास्ते के भी नहीं पता लगता है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये आज का मेरा सफ़र, आज का ये व्लॉग? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, तो मुझे अच्छा लगता है, हौसला मिलता है, बूस्ट अप होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती, हो सकता है मैं कुछ गलती करता हूँ उसका सुधार हो जाए। और आप लोग किस तरह चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, वो चीज़ें उनमें थोड़ा सा मैं कोशिश करके आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये जब हम जोजिला साइड से आते हैं तो एक गांव निकल गया हमारा मटाइन, उसके बाद जो है अब ये हमारा सेकंड विलेज है कारगिल की तरफ को, पंद्रास, बिल्कुल पंद्रास के नज़दीक में है। एक बार मैं इस विलेज में एंटर करता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए खेती बाड़ी तो लगभग ख़त्म हो रही है, घास भी गेहूं पे कट चुका है, घास भी कट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई समर ख़त्म, पतझड़ शुरू, वाकई में यहाँ पे पतझड़ शुरू हो गया है। क्या हम लोगों के माउंटेन में रहने का लाइफ क्या है, देखिए लगता है गर्मी आ गया और गर्मी का पता ही नहीं चलता है कि दोबारा पतझड़ का मौसम फिर सर्दी, बस इसी से फिर जूझते रहो। और थैंक्स अल्लाह का यह है कि ऐसे गांव में, ऐसे इलाके में रहने का मज़ा यह है कि किसी चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहता है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे भी रहो यहाँ पे वो चीज़ है। इतना है स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे, जो भी करना अपने लिए करना, स्ट्रगल करना है। ये देखिए खेत लगभग ख़त्म है क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गया तो सब खत्म हो गया है।
एक चीज मैं बता दूं, जोजिला में इतना बारिश हो रहा था, इससे ये लगता है कि यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है। आगे थोड़ा सा काले बादल है, हो सकता है यहाँ पे बारिश मिले हमको आगे। तो गाइस इस तरह के ड्राइविंग, इस तरह के रोड्स होता है, इस तरह के ड्राइविंग करना पड़ता है यहाँ पे। देखिए सामने से गाड़ी आ रही, कितना अच्छा नजारा लग रहा है। ये माउंटेन के रोड्स ऐसे होते हैं। तो पीछे के सीट का एक नजारा आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा क्या चीज है। और इनके बीच में से एक चेहरा भी नजर आ रहा है, जरा इनसे मिलिए, थोड़ा मुलाकात कीजिए। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा आज का सफर? बहुत अच्छा। मजा आया ना? हाँ, ऐसे मौसम में सफर करना चाहिए नहीं? हाँ, थोड़ा सा हमको, आपको भी डर लगा था जो जिला में, थोड़ा सा है ना? बहुत ज्यादा डर लगा था। यहाँ पहुंच गया मैं रवि। सच बात है भाई, देखिए हम तो ड्राइविंग करते, हमें तो ये सब की आदत है, हमें नहीं फर्क पड़ा। लेकिन मैडम हमारी, वो कहते हैं मुझे तो बहुत डर लगा और मेरा दिल जो है यहाँ गले तक पहुंच गया था। ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये भी एक अलग से अच्छा एक्सपीरियंस है ना? है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बताइए कैसा रहने वाला है सफर हमारा, मजा आने वाला है? आगे टी ब्रेक करेंगे हम, द्रास में चाय पियेंगे, ठीक है? और फिर हम रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक होता यो तासी या चीसो स्किपो सा आराम यतु सफर ना सितो सा तो यतु यतु का लेके आया यार। हाँ देखिए, कश्मीर का तोहफा ले गए हम लोग, यादगार कश्मीर का है ना। हाँ, फैमिली ब्लॉग है हमारा ये एक। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा अपने सासू माँ से बात कर रहा था, तो उनको थोड़ा सा एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है। हाँ तो गाइस अभी मम्मी जी से बात कर रहा था, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया क्योंकि बात करते करते मम्मी जी को खांसी हो गया था। हाई एल्टीट्यूड में आपको पता है ओल्ड एज में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है, तो इनको खांसी हो रहा था, तो दैट्स व्हाई थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ा और इनको जो है हमने शीशा खोल के थोड़ा गला साफ करवाया। तो इनसे एक बात यह है कि हिंदी ये बहुत कम समझते हैं, उर्दू भी बहुत कम, तो ज़्यादातर अपनी लैंग्वेज चलता है। तो मैंने इनसे अपनी लैंग्वेज में बात किया, मैंने पूछा कैसा रहा, तो कहता है सफ़र में बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा कह रहा है। ठीक है, तो जो अपनी भाषा समझते हैं हमारे कारगिल की, तो उनको तो समझ में आ गया। बट गाइस जो आप लोग दूर से हैं, जो इनको समझ में नहीं आता, मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करके बताया। यहाँ ची दुखने का रे, चलो मम्मी जी से थोड़ा सा बात करते हैं अपनी भाषा में। मम्मी जी कह रहा है कि मैंने बोला कुछ और सुनाओ, तो नहीं सुनाने को कुछ नहीं है, घर जाने की खुशी है,
कहता घर जाके बात करेंगे जो भी होगा, कहता आराम है, बढ़िया है, सफर में मजा आया कह रहा है। ठीक है तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को? तो अभी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, अभी तो हम सफर में ही हैं। दराज या कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आज हमारा फैमिली टूर था तो फैमिली का एक मैंने व्लॉग बनाया। हाँ जी मैडम कुछ और आप भी कहो। अरे यार असली सफर तो आप कर रहे हो फूलों के बीच में, है ना, फूलों के बीच में। ये देखिए आगे का लैंडस्केप मैं आपको दिखा दूं। सबका अपना अपना एरिया का अपना अपना इलाका है। ये लैंडस्केप देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसा लैंडस्केप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जब आप नीचे प्लेन से आते हो तो ऐसा लगता है ये पहाड़ी बिना कपड़ों पे पहाड़ी है, कपड़े उतार के बैठे हैं जैसे, इनको कपड़े पहनाया ही नहीं है इस तरह का है ये। आगे के जो छोटा सा माउंटेन है वो देखो, ऐसा लगता है कि स्काई को छू रहा, बादल यहीं से उड़ रहा है ऐसा लग रहा। Yes guys, तो नजदीक है द्रास के, सामने द्रास का व्यू दिखा दूं आपको। सोजला गांव, सोजला पास है तो द्रास गांव का व्यू।